नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुर का बल बल जाइए ऐसे गुर का बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तार आप मुक्त मोहे तार मोहे तार बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सार प्रतख गुरु निस्तार तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज निमाणे के मान निताणे के दान गुरु गरीबन वाजे सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा जल हुआ राम जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले
जल हुआ रा जल का जल हुआ रा सूरज किरण सूरज किरण सूरज किरण मिले जल का जल हुआ रा ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योदरली संपूर्ण दियारा संपूर्ण दियारा गुरु शासन जीओ अज असि धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी आप नारायण कलाधार जगमह परवरयो निरंकार आकार जोत जग मंडल करयो अज सारी मखलूकात नू अपने जीवन की सफलता मंजिल वल जाने तो खुंझे हुए सारी मखलूकात धन गुरु नानक पातशाह जी ने संसार में आके जीवन की सफलता के राह पर तोरिया भरमां वहमां और कर्मकांडां और बहुत कुछ जो कुछ मनुख भुलिया भट गया होया जिहड़ा अपने जीवन तो खुंझिया होया जीवन में सफल बनाउण च सतगुरु जी ने अपनी बख्शिश बरताई भुलिया होया नू भुले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया ते जोड़िया सानू उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम राम नाल सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हिरदा गुर चरण प्यारे सतगुरु जी ने सानू माया वेड़िया नू क्योंकि मनुख संसार रहा है उस दे उत्ते काम क्रोध लोभ अहंकार आशा तृष्णा मोह माया का बहुत गूढ़ा रंग चढ़िया होया तो सतगुरु पातशाह जी ने सानू उस मिथ्या रंग विचों कढ के वाहिगुरु के सच्चे रंग विच रंगिया है और सतगुरु जी कहिंदे ने जिहड़े उस वाहिगुरु के सच्चे रंग विच रंगे गए ना धन गुरु नानक पातशाह जी का अपना उच्चारण किया हुआ शब्द है धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का तिलंग महला पहला सतगुरु जी कहते ने ये जो शरीर है ना ये कच्चे ते मिथिया माया दे मोह दे रंग विच विकारां दे रंग विच रंगिया होया एहो तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए ते एडा लोभ लालच के विषय विकारा के नाल मिथ्या रंग विच रंगे हुए जिहड़ा मन है ना वो मेरे मालिक नू नहीं पाउंदा इहो तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए मेरा कंत वाहिगुरु नू मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजा जाए ये जीव रूप स्त्री दे हिरदे विच वो परमात्मा किवें बैठे उत्थे तां अगे ही लोभ लालच आशा तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकार बैठे हुए ने जिस हिरदे की सेज विच परमात्मा ने बैठना है उत्थे तां इस मनुख ने बहुत कुछ संसारी वसाया होया है तो गुरु पातशाह जी कहिंदे ने मैं उन्हां तों बलिहार हे वाहिगुरु मेहरबान मैं उन्हां तों कुरबान जांदा हाँ जिन्हां ने अपने मन नूं नाम रंग विच रंगिया होया है सतगुरु जी तिलंग महला पहला विच सब तो पहला शब्द है ये तिलंग राग दा सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने बई जिन्हां ने नाम रंग विच अपना मन रंग लिया है ना मैं उन्हां तों बलिहार एक बार नहीं दो बार नहीं
बारंबार बारंबार बलिहार ते कुरबान ते कुरबान जा रहे ने उस शब्द नूं शब्द ते लंघ राखदा है इसे राग विच दस रहे हाजरी लिवा रहे ने। मैं सुनिया लोग कहिंदे ने भई राग दा कीर्तन कोई नहीं सुनदा, पर मैं कहना भई क्षमा कर लेना भी असीं करदे नहीं, संगतां सुनदियां ने। हुण भाई साहब ने बहुत सोहना कीर्तन किया और बहुत भाई मनोहर सिंह जी बहुत महान कीर्तनियां ने और रागों में कीर्तन करते हैं, संगतां सुनदियां ने, पर असीं कुछ कीर्तनियां बहुत गिणती विच कह लो असीं कीर्तन करते नहीं उस ढंग दा नाल दे नाल, क्योंकि मैं कई बार बेनती करता हुंदा भी जिहड़ा ये सतगुरु दे बख्शिश किए हुए रागों का कीर्तन है ना, ये सतगुरु जी ने इसलिए यह राग बद्ध किया है भी जिहड़ा मन माया वेड़िया माया विच नठदा है ना वो माया नूं धौंदा होया जिहड़ा मन है ना वह इन शब्द दीआं धुनां दे नाल ते अंदर आउंदा है जिथे ये कारज सवारने। तां सतगुरु जी कहिंदे ने मना तू अपने स्थिर होके अपने घर विच बैठ, सतगुरु आपे तेरे कारज सवार देवेगा। थिर घर बैसहो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे कारज। सो सतगुरु जी दे दर्शाए हुए तलंगे राग दे अंदाज विच मैं आशा रखदा संतां क्योंकि बहुत प्यार नाल कीर्तन उचारदियां भी ने और हाजरियां भी लवांदियां ने, आओ प्यार नाल गुरु महाराज दर्शाए हुए तलंग राग विच उचारण किए हुए इस शब्द नूं असीं गुरु महाराज के दर्शाए हुए अंदाज विच सारे गाइए। मेरा अंदाजा सारे हाजरियां लगवाउणगे आओ कुर्बान जाओ मेहरबाना हो कुर्बान जा जाओ मेहरबाना हो कुर्बान।
क्यों तन से जय जाए, क्यों तन से जय प्यारे जिनके चोले रतड़े प्यारे।
पातशाह जी का आसा जी वार जो पहला श्लोक पढ़ता है ना वो सतगुरु पातशाह जी ने एक ऐसी अजीब और विस्मादी गल लिखी है। सतगुरु जी कहते रहे यह संसार एक वाहगुरु की एक कोठड़ी है, यह जग सच्चा की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास उस वाहगुरु का इस जगत कोठड़ी विच वासा है। और सतगुरु जी कहते हैं जेड़े जीव रहिंदे ने कुछ ऐसे ने जेड़े वाहिगुरु नूं याद करदे ने, कुछ ऐसे ने जेड़े नास्तक ने। हुण साडी भी एक समझ गल करदी समझदी है, समझ साडी भी एक बुद्धि जेड़ी है गल समझदी है भाई जेड़े नाम जपदे उह तां सफल ही हो गए, उहनां दा जीवन सफल हो गया, उहनां दा तां जीवन सफल हो गया, नाम जी जपदे आ वाहिगुरु वल लगे होए ने। सतगुरु जी कहते ने भी एक ना एक ऐसे ने इस जगत कोठड़ी विच जेड़े माया वल लगे हुए ने संसार की मोह माया विच, और एक ऐसे ने जिन्होंने वाहिगुरु अपने पासे लाउंदा है। यह जग सच्चा की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, एक ना हुक्म समाए लै एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना नूं अपने हुक्म विच अपना हुक्म विच तोर के भाव जिस मकसद लई संसार विच आए है ओह ही हुक्म जीव नूं, उस हुक्म अनुसार वह वाहिगुरु नूं याद करता है, एक ना नूं तो अपनी याद विच ला लैंदा है, पर एक ना नूं याद तो खुंझिया रहिंदा उहनां दे कर्म अनुसार।
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਏ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਲੜ ਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਏਵ ਬਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਦਿਆਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੇ 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 ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਵੇ। ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਜਲਨ ਬੁਝਾਏ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਉਸ ਕੁਕਰਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਗਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵਿਆਪ ਜਾਵੇ, ਹੰਗਤਾ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਈ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਫੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੂਸਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਆਪੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਆਪੇ ਸਾਜ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਸਾਜ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਸਾਜ ਆਪੇ ਰੰਗ ਜਪੋ, ਆਪੇ ਸਾਜ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ।
जाओ ते ना के लैण जो तेरा ना श्री गुरु नानक पातशाह जी दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच जितने भी उपदेश ने सारिया गुरु ज्योतियां ने और पातशाहियां दे पूर्वले भगतां ने भी जिवें जिवें संसार विच रहिंदिआं संसार दे रंग रस नूं माणदिआं होइआं मुरगाई वांगू और कमल वांगू निर्लेप रहे सानूं इक सूत्र दे दित्ता भई जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणे जिस तरह जल विच कमल ते मुरगाई है वो बिल्कुल निरलेप होकर रहिंदी है जीवन सारा जीवंदी है पानी विच इस तरह तुसी भी अपनी सुरत नूं शब्द नाल जुड़ के सारे रंग रस माणदे होए मुक्त हो जाओ जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणे शब्द सुरत भव सागर तरिया नानक नाम बखाणे सतगुरु जी तां असी कहने ज्योति ज्योत समाग है पर सतगुर मेरा सदा सदा ना आवा ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब में रह समाए वो समाए हुए वो साडे हिरदे विच वसदे ने सानू प्रेरणा दिंदे ने वो तो आप मुक्त ने ते संसार नू मुक्त करदे ने ऐसियां नू प्रेम नाल नमस्कार करिए आओ जी आप मुक्त मुक्त करे संसार आप मुक्त मुक्त करे संसार कैरवा आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक किस जाए सदा नमस्कार नानक जन का सदा नमस्कार आप मुक्त मुक्त करे संसार आप मुक्त मुक्त करे संसार Thank you.
धन जाने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया धन 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 जान आया जिस प्रसाद सब जगत तराया 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 आप मुक्त मुक्त करे संसार आप मुक्त मुक्त करे आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जानत सदा नमस्कार जो जानत तिस दा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन 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 जन आया तन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जनावन का यह सुहाओ के संग चित आवनाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जान का सदा नमस्कार नानक तिस जान का सदा नमस्कार ताको लख बार नमस्कार ताको लख बार एह मन दीजै ताको वार सिमरन जाके मिटे संताप होए आनंद ना व्यापताप नानक तिस जन को सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार आप मुक्त मुक्त करे संसार आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार सदा
सच्चा तुद तख्त सिरशाह बादशाह ने चल चौर छत जो भावे पार ब्रह्म सोई सच ने आओ जे भावे पार ब्रह्म निथावे मिले थाओ जो किने करदार साई पली गल जिनी पछाता खसम से दरगाह मल सही तेरा फुरमान किना न फेरी है कारण करण करीम कुदरत तेरी है पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा रंग बिरंगा नेक न जापन करदबा दिया अंदर दियो सब जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर बला तेरा कारण अंदर दाई तुझ कर मान महता तेज अपना आप जर सर्प कला भरपूर जिस जात कदा नानक दासन दास बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंगा ने करा जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सबकी तेरे बस तेरा कर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर माण माता तेज अपने आप जर सर्व कला भरपूर जिस जत कथा नानक दास दास तुझे आगे बिनवत सर्वप्रथम शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का दिल तो धन्यवादी हाँ सारे जथे वालों और धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ धन गुरु नानक देव महाराज उन्हों का लख लख शुक्र है उन्होंने संसार में जाके ठंड वरताई सानू भुलिया होया नू सुमार्ग ते पा के जीवन की सफलता की राह दिखाई और धन्यवादी हाँ मैं अपने सत्कारयोग प्रबंधक साहबान का दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब जी राणा साहब जी और सारे ही प्रबंधक साहबान का जो दास रे गुरु रामदास पातशाह जर करते अन्य कीर्तनियों इस तरह समागम हाजरी भर के कीर्तन राही हाजरी गाने का सुभाग बख्शिश करते हैं हुई भुला बख्श लैनिया फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।